हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट वाला है बेटा, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आर टू द स्पीड ऑफ स्कूटी 30 किलोमीटर पर आर। क्या मतलब हुआ? रेशियो कैसे निकालेंगे हम? स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटी। ठीक है, ये कितना स्पीड ऑफ साइकिल है तुम्हारा? 15 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में ये 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, हमेशा ख्याल रखो जब रेशियो निकालोगे तो तुम्हारा यूनिट सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, स्कूटी की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक, यहाँ पे क्या 15 1 15 15 2 30, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/2। ठीक है, और रेशियो को हम एक तरीका और कैसे लिख सकते हैं? 1:2। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को 1:2 बोलते हैं, 1:2। ठीक है, आ गया समझ में? अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। यहाँ पर है बेटा 5 मीटर टू 15 किलोमीटर, इसका रेशियो निकालना है। तो हमको क्या पता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब चाहे इसको किलोमीटर में कर लो, चाहे इसको मीटर्स में कर लो। तो देखो किलोमीटर को मीटर में करना आसान होता है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो मैं कह सकती हूँ 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10 × 1000 meters, है ना? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4 meters। ठीक है बच्चों, सही। चलो, ये रिलेशनशिप ना, हमेशा जब भी तुम लोग रिलेशनशिप्स लिखो ना ऐसे, तो इसको जो है ऐसे करके बोल्ड मार्कर वो पेन से या किसी चीज़ से हाईलाइट कर दिया करो, तो टीचर तुम्हें एक नंबर एक्स्ट्रा दे ही देगा कि चलो बच्चों को यूनिट कन्वर्जन पता है। ठीक, चलो 5 मीटर को 5 मीटर ही लिख दो। 10 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 मीटर्स। ठीक है बच्चों, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10, 1 2 3 0, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/2000 या फिर 1:2000। ठीक है, सिंपल है ये वाला। अब आ जाओ तुम इसके सी पार्ट पे। बस यूनिट का ध्यान रखना कि यूनिट तुम्हारा एक होना चाहिए। ये है तुम्हारा 50 पैसा 2 रुपीज़ 5। तो देखो हमको क्या पता है कि 1 रुपये में बेटा कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, पता है सब बच्चों को, है ना? इसको ज़रा सा हाईलाइट कर दो ताकि याद रहे सारी चीज़ें। ये तो मैं कह सकती हूँ कि 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे बेटा? 5 × 100 पैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 पैसा। ठीक, चलो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 50 पैसा अपॉन 5 रुपीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 500 पैसा, है ना? 0 से 0 5 1 5 0। ठीक है, 5 10 50 होता है, सही। तो ये हो जाएगा 1/10, पैसा से पैसा कैंसिल आउट, तो ये लिख सकते हो 1:10। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे।